हो, एक दो और ब्लॉक्स हो, अच्छा लेवल, बहुत अच्छा लेवल, तो फ्रिक्शन के बाद मुझसे शीट्स ले सकता है और वो कुछ अलग ही लेवल है ये, तो मतलब स्टार्ट भी नहीं है माना जाता वहाँ से। तो उसके लिए जो इंटरेस्टेड होगा वो शीट ले लेगा, जो नहीं होगा तो ऑप्शनल है, टोटल ऑप्शनल है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर स्ट्रेस फील कर रहे हो तो मत लेना, मज़ा आ रहा है और सीखना चाहते हो तो लेना, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है फ्रिक्शन के बाद, ठीक। और वो मेंस और नीट के लिए नहीं है, प्लीज़, ओनली फॉर एडवांस है, बिल्कुल अलग है। तो ये क्वेश्चन तो ईजी है देखो, और ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम डिस्कस भी हुआ था कि अगर एक बॉल जाती है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, टक्कर खा के बॉल वापस आती है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, तो बोलो चेंज इन मोमेंटम कितना है। किया था, कितने को याद है कुछ किया था ऐसा? किया था। इनिशियल मोमेंटम कितना है? एम वी। फाइनल मोमेंटम कितना है? एम वी विद नेगेटिव साइन, इसलिए क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो राइट की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया तो लेफ्ट की नेगेटिव, तो राइट के लिए मोमेंटम इनिशियल एम वी पॉजिटिव, तो फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है? माइनस एम वी, इनिशियल कितना है? एम वी। तो आंसर जीरो नहीं बोलना, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आंसर -2 mv, और मैग्नीट्यूड में सिर्फ 2 mv। और पिछली शीट में भी ये क्वेश्चन किया हुआ है जिसमें मैंने ऐसे बोला था कि mv के आगे i कैप लगा सकते हो, i कैप, इनिशियल मोमेंटम mv इनटू i कैप, फाइनल मोमेंटम mv इनटू माइनस i कैप, माइनस i कैप, डायरेक्शन हैज चेंज्ड, तो चेंज इन मोमेंटम में -2 mv i कैप आएगा, जीरो नहीं आएगा कभी भी। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो एक बॉल अगर जा रही है विद एमवी और वापस आ रही है विद एमवी, तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 mv, जीरो नहीं होगा। समझ में आ रहा है यहां तक? किया हुआ क्वेश्चन है। अगर एक बॉडी का मास 150 बाय 1000 kg है और उसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आपको गिवन है और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर भी गिवन है, आपको चेंज इन मोमेंटम वेक्टर डेल्टा पी वेक्टर निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम वेक्टर होता क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम एम वी वेक्टर माइनस एम यू वेक्टर, एम बाहर आ गया, वी माइनस यू, मास 150 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट कर लिया, वी वेक्टर पता है, यू वेक्टर पता है, आई को आई में से, जे को जे में से, माइनस आंसर। तो चेंज इन मोमेंटम वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड। आसान है यहाँ तक? क्लियर है? हाँ, इस लेवल के प्रॉब्लम्स ठीक है, ठीक है, ऐसे आएगा मेन और नीट, वैसा नहीं आएगा जो ऊपर किया, ऐसा आएगा। बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? इस क्वेश्चन को देखना, देखो जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें ना डायग्राम भी नहीं था। एक्चुअल क्वेश्चन ऐसा था, उसने कहा कंसिडर अ सिलेंडर, ये सिलेंडर है, कंसिडर करो दो मासेज हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, और साथ में एक रस्सी से बंधे हुए, स्ट्रिंग से बंधे हुए, ठीक
ठीक, और कोई फ्रिक्शन नहीं है, और वो इस तरीके से अटैच्ड है, एक इधर, कि वो इक्विलिब्रियम में है, और दोनों ग्राउंड पे कोई नहीं है, ऊपर ही है इसके। हल्का सा आपने उनको हिलाया, ये सिलेंडर रोल करेगा और दोनों नीचे गिर जाएंगे, या इधर हिलाया तो नीचे गिर जाएंगे। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन क्या नजर आता है? सर्कल। ये सिलेंडर है एक्चुअल में, पीछे की तरफ इसकी लेंथ है, और इस सिलेंडर के ऊपर ये एक स्ट्रिंग जा रही है, एक मास एम टू, एक मास एम वन, और इक्विलिब्रियम है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये सिलेंडर है, ऐसे बड़ा सिलेंडर है, सर्कल नजर आ रहा है, क्रॉस सेक्शन। ठीक, तो अगर आपने इनको चेंज किया या कुछ जो है बड़ा छोटा किया तो ये गिर सकते हैं। वो कह रहे हैं इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ना ये लेफ्ट जा रहा है ना ये राइट जा रहा है, सच दैट वर्टिकल के साथ इस ब्लॉक ने एंगल थीटा बनाया। प्रूव करो साइन थीटा इसके इक्वल है। तो सबसे पहले फोर्सेस देखते हैं। सबसे पहले इसका वेट क्या है? एम टू जी, और टेंशन क्या है? टी। एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन विल रिमेन सेम, मास तो है नहीं। अब टेंशन गोल तो जा नहीं सकती, टेंशन फोर्स है, फोर्स कभी गोल नहीं होता, फोर्स वेक्टर स्ट्रेट होता है। तो ड्रॉ यहां पे जो टेंशन सीधी आएगी ऊपर की तरफ, ये रही सीधी, यहां पर ऐसी गोल हो रही है, कोई बात नहीं। आप ड्रॉ अ टेंजेंट, इस पोर्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करो, टी आ गया। अगले पोर्शन पे टेंशन अगर ड्रॉ करने को आ जाए तो ऐसे टेंजेंट है, टेंजेंट, तो अपने टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, पर हम यहीं पे इंटरेस्टेड है सिर्फ। तो हमने क्या किया? थीटा थीटा ऑल्टरनेट, तो इस वेट का एक कंपोनेंट एम जी कॉस, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, वो इंक्लाइन प्लेन की तरह सेम। तो हमने इंक्लाइन प्लेन की तरह कंसिडर करके इसका कंपोनेंट निकाल दिया कि ये फोर्स इसे नीचे लेके आ रही है, तो यहां पर क्या आ गई? टेंशन टी। तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो टी इज इक्वल टू एम टू जी, और ये भी मूव नहीं कर पा रही, तो इसको कौन नीचे लेके आ रहा है? एम वन जी साइन थीटा, और कौन बचाएगा? टी। तो टी यहां से क्या आएगा? एम वन जी साइन थीटा। तो दो ही क्वेश्चन आ गई, टी इज इक्वल टू एम टू जी और टी इज इक्वल टू एम वन जी साइन थीटा। इन्हें इक्वेट कर ले टी एंड टी, हमने इन्हें इक्वेट किया, जी से जी क्या हो गया? कैंसल, साइन थीटा की वैल्यू आगे डाल। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, कोई डाउट इसमें? पाकिस्तान, भारत आदि आठ देशों से लगे हुए है। सिंचांग प्रांत में भूमि की सीमा की लंबाई 5,600। देखो क्या हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है? कितने लोगों को लगता है कि किया हुआ है? कितने लगता है नहीं किया हुआ? कितने को याद ही नहीं आ रहा? याद नहीं आ रहा? तो मैंने तो पहले ही कहा था, क्वेश्चन में अगर मेंस और नीट में सर यही पूछा जाए क्या ये क्वेश्चन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, तो भी तो 50% लोग तो अभी रिजेक्ट हो जाएंगे। कंपटीशन है ही नहीं इतना ज़्यादा, कंपटीशन तो बहुत कम है, और मैं याद दिलाता रहूँगा, और वहाँ तो क्वेश्चन करके भी आना है, और वो भी ठीक, प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस। क्वेश्चन तो शीट में से आएंगे, चिंता ना करो, क्वेश्चन तो सारे इसी में से आएंगे। आपकी प्रैक्टिस है, आप कितना रिटेन कर पाते हो लिख लिख के। एक चैप्टर करोगे दूसरा भूल जाते होगे, दूसरा करोगे तीसरा भूल जाते हो, जिस दिन स्कूल जाते हो उस दिन बस यही होता है कि दिन कब खत्म हो। और क्या, ऐसे ही तो होता है। देखो, फाइंड इम्पल्स एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ग्राफ किसके किसके बीच में है? एक्स और टी। एक्स की ग्राफ की स्लोप क्या देगी? वेलोसिटी। इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम, दूसरा फॉर्मूला चेंज ऑफ मोमेंटम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की थी, चेंज इन मोमेंटम भी इम्पल्स है, फोर्स इनटू टाइम भी इम्पल्स है। तो इसके अंदर यहाँ पे स्लोप निकालते हैं 4/2 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ की स्लोप 0। तो पहले वेलोसिटी 2 है, बाद में वेलोसिटी 0 हो गई, तो इम्पल्स क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एम वी टू माइनस एम वी वन,
फाइनल वेलोसिटी कितनी है? जीरो. इनिशियल कितनी है? टू. मास कितना है? 0.1. आंसर नेगेटिव इंपल्स क्या शो कर रहा है? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. पॉजिटिव इंपल्स क्या शो करता है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. मोमेंटम पॉजिटिव का मतलब बढ़ गई वेलोसिटी. कोई डाउट इसमें? ठीक ठीक. नेक्स्ट देखो प्लीज. क्योंकि अगली बार हम फ्रिक्शन करने जा रहे हैं, तो जितना भी काम फोर्स का अभी तक किया उसका शॉर्ट टेस्ट है अगली बार. और उसमें क्या आएगा? दो क्वेश्चन तो सुन लो जो दूंगा. स्टेट एंड प्रूव इंपल्स मोमेंटम थ्योरम. भाई जो स्कूल में आना है वो तो देने ही है, तो लिखवाना ही लिखवाना है. दूसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन. दो. बाकी तो मेरी मर्जी है, शीट में से फ्री बॉडी डायग्राम दूं बनाने को या जो भी दूं, आप रिवाइज सारा करके आना. बाकी मेरी मर्जी है यार. बाकी तो न्यूमेरिकल्स ही होंगे. ठीक, कॉन्सेप्चुअल होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, इस टाइप से होंगे. बस मैं चाहता हूँ रिवाइज करके आओ, ताकि लिख लिख के आना. मैं हो सकता है आपको कुछ ब्लॉक के डायग्राम दूं, उसमें सिर्फ यही कहूँ ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम, वही ड्रॉ करके दिखाने होगा, उसी के नंबर है बस. तो प्लीज लिख लिख के प्रैक्टिस करके आना, कोई फोर्स रहना चाहे. देखो क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी जिसका मास 2 kg है और वो ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, ये री बॉडी ईस्ट की तरफ मूव कर रही थी, किसी ने इसके ऊपर फोर्स लगाई 4 newton टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ईस्ट तो जा ही रही है, अब नॉर्थ भी जा रही है, तो एक्स वाई प्लेन में मूव करेगी. अब स्ट्रेट नहीं जाएगी ना, पहले स्ट्रेट जा रही थी पर आपने फोर्स ऐसे लगाई तो अब ये ऊपर भी चले गए, तो स्ट्रेट भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, तो एक्स वाई प्लेन में जा रही है, राइट. आपको बताना है 4 सेकेंड के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी. मान लो 4 सेकेंड के बाद वो यहां कहीं चली गई, जिसका x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट y है. ठीक, फोर्स की वैल्यू कितनी है? 4 newton है और इस तरफ कोई फोर्स नहीं है, x एक्सिस में तो फोर्स लगाई नहीं, y में लगाई है. मास गिवन है और टाइम गिवन है. x एक्सिस में क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वी कैन अप्लाई s इज इक्वल टू vt, तो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है? 3. या x बना लो या y बना लो, प्लीज ये x है और ये y है. हाँ, गिवन है 3 meter, क्वेश्चन में फिगर ही गिवन है. तो 3 meter, 3 × time कितना है? 4, तो कितना आएगा? 12. और y एक्सिस में बनाओ इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ वेक्टर 0, जैसे प्रोजेक्टाइल में नहीं करते थे कि बॉडी को फेंका तो सीधा था पर फोर्स की वजह से वो ऊपर चली गई, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, जैसे प्रोजेक्टाइल में होता है. और एक्सेलेरेशन y एक्सिस में क्या होगी? फोर्स अपॉन मास. y एक्सिस की फोर्स कितनी है? 4 अपॉन मास कितना है? 2. तो एक्सेलेरेशन कितनी आ गई? 2. s is ut plus half at square, s की जगह y, initial velocity 0, half into at square, 16. तो net answer क्या आएगा? x और y, Pythagoras, under root of x square plus y square answer. और इसमें जो path होगा ना वो parabola होगा, वैसे projectile की तरह, उसमें नीचे parabola, इसमें ऊपर parabola. क्या इसकी जरूरत नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ मैं आपको. ठीक, कोई डाउट इसमें? होम क्लियर है? ये क्वेश्चन देखना.
देखो कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया आया। देखो सबसे पहले रूल नंबर वन, आपने ना स्ट्रिंग को देखना है, कोई मूविंग पुली नहीं है ये, सॉरी उल्टा बोल गया, मूविंग पुली है ये, इसमें गिवन कर लेना, ये पुली मूव कर, पता लग ही रहा है हवा में, अब इसको सपोर्ट तो है नहीं कहीं से, इसको तो बांध दिया छत से, इस ये तो मूव नहीं करेगी, घूमेगी सिर्फ, ये मूव कर सकती है, टेंशन इस स्ट्रिंग में विल रिमेन सेम, पहला स्टेप क्लियर है। और यहां पर ट्वाइस टूटी याद है थ्रस्ट, इसका वेट कितना है mg, आप इसे खींचोगे तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, अगर आप इसे a से खींचोगे तो ये a by 2 से जाएगा, मूविंग पुली याद है, जहां टेंशन डबल होती है एक्सेलरेशन हाफ होती है, ऐसी था कोई डाउट इसमें? आगे इसमें ना मास नहीं लगा हुआ, बस फोर्स है, और फोर्स की वैल्यू 2mg है। तो रूल नंबर वन, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए फोर्स माइनस टी एफ माइनस एफ, नीचे की फोर्स बड़ी है ऊपर की छोटी है, तो एफ माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू, एक्चुअली मास है ही नहीं, तो ऐसे केस में जब मास नहीं होता तो एफ किसके इक्वल हो जाता है टी, और एफ किसके इक्वल है 2mg, तो टेंशन किसके इक्वल है 2mg, तो पहला स्टेप क्लियर है, टेंशन यहां पर किसके इक्वल है, टी किसके इक्वल है 2mg, को डाउट? ये ब्लॉक कहां जा रहा है ऊपर, तो ऊपर की फोर्स 2t माइनस mg इज इक्वल टू m इनटू a बाय 2, ये रहा, तो यहां से t की वैल्यू को पुट करो 2mg, यहां पे सॉल्व करो, a आ गया, a आ गया तो हाफ कर दो, तो इसकी एक्सेलरेशन 3g आंसर आ गया।